सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हर दिन एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हर दिन एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। उस वक्त की बात है जब छुट्टियों में मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ घर से दूर एक रिश्तेदार के वहां कुछ दिनों के लिए घूमने गई थी। उस वक्त उनके घर में शादी की दावत थी। ये उस टाइम की बात है जब मैं लगभग 16 साल की थी। बचपन से ही मुझे जिन आसे भूत और चुड़ैलों के कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। मुझे बहुत शौक था भूत देखने का, खास करके जिन देखने का। जिन देखने में कैसे होते हैं, कैसे चलते हैं, बात करते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि मेरी अम्मी भी मुझे बचपन से यही कहते आ रहे हैं कि उनकी शादी से पहले उनके साथ कुछ जिन्नात रहते थे हर वक्त। लेकिन शादी के बाद उन्हें इन सब चीजों से छुटकारा मिला था। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनते सुनते ही मुझे जिन्नात देखने की मानो नशे से चढ़ गई थी। और इसी वजह से मैं जहां भी रहती थी, घर या फिर किसी रिश्तेदार के वहां, तब मैं हर रोज रात के 12 बजे या फिर 1 बजे के बाद घर से बाहर निकल जाती थी जिन देखने के लिए। कभी छत पर, तो कभी बरामदे में, या फिर कभी कभी तो घर के पीछे वाले खाली इलाके में। हालांकि मैं अकेली ही थी, अकेले ही निकलती थी और किसी को साथ नहीं लेती थी। मेरी बहुत इच्छा थी कि जिन्नात मेरे सामने आएंगे, अपने मौजूदगी जाहिर करेंगे। तो फाइनली इतने कोशिशों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। मैंने शुरू में ही बताया था कि हम उस वक्त अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। तो वहां जाने के बाद एक दिन रात के करीब 12 बजे के बाद मैं घर से निकल गई। उसके बाद चलते चलते मैं उनके घर के पास वाले एक रास्ते पे आकर रुक गई। वहां खड़े खड़े मैं इंतजार कर रही थी कि मेरे साथ कुछ हो। ऐसे ही देखते देखते 10 मिनट बीत गए। मैंने सोचा कि शायद आज भी मेरी जिन देखने की ख्वाहिश अधूरी ही रह जाएगी। ये सोचकर मैं वहां से वापस चली आ रही थी। घर लौटते वक्त रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। जब मैं उस दरख्त यानी कि उस बरगद के पेड़ के पास से गुजर रही थी कि तभी अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे दाएं तरफ के कंधे से एक तेज गर्म हवा गुजर गई। वो हवा मेरे कंधे के पीछे से ऐसे खौफनाक तरीके से गुजरी
कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन उस वक्त मैंने उस हादसे को उतना सीरियसली नहीं लिया, उस पर उतना रिएक्ट भी नहीं किया और घर लौट आई। लेकिन घर आने के बाद जब मैं बिस्तर पर सोने जा रही थी, तब बिस्तर के पास वाले ड्रेसिंग टेबल के आईने पर नजर पड़ते ही मैंने जो देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि मेरे दाएं कान से खून निकल रहा है, यानी कि जिस तरफ से वो गर्म हवा मुझे क्रॉस किया था उसी तरफ के कान से खून निकल रही है। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर खून क्यों निकल रही है। तो फिर क्या ये किसी जिन्नात का काम है या फिर इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट। दूसरे दिन सुबह जब मैं उठी, उसके बाद से मुझे अपने इर्द गिर्द एक खूबसूरत सा लड़का नजर आने लगा। वो लड़का दिखने में काफी खूबसूरत था, उम्र करीब 21 या 22 साल के आसपास की होगी और हाइट करीब 5 फीट 7 या 8 इंच के आसपास की होगी। गोरे रंग का था वो लड़का। मैं हमेशा देखती थी कि वो लड़का मुझसे थोड़ा डिस्टेंस बनाया रखता है, हालांकि मैं जहां भी जाती थी वो भी वहां चला आता था। कहा जाए तो वो मुझे फॉलो कर रहा था और मैं जब भी उसके तरफ देखती थी तभी नोटिस करती थी कि वो भी मुझे ही देख रहा है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी नूर और होठों पे हमेशा मुस्कुराहट कायम रहती थी। ऐसे ही 15 दिन बीत गए और इन 15 दिनों में हर रोज मैंने उस लड़के को यहां वहां देखा है। 15 दिन बाद जब मेरे रिश्तेदार के यहाँ सारे फंक्शंस ओकेशन खत्म हो गए, तब मैं भी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने घर लौट आई। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि घर लौट आने के बाद भी वो लड़का मुझे हमारे घर के बाहर यहाँ वहाँ घूमते हुए नजर आता था। मैं देखती थी कि वो लड़का दूर खड़ा हुआ है और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। ऐसे ही देखते देखते और भी कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है जब मैं अपने घर के पास वाले नदी के किनारे बैठी हुई थी, तब अचानक मैंने देखा कि वो लड़का कुछ दूरी पर खड़ा होकर मेरी तरफ देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उस लड़के के पास जाकर उस लड़के से पूछा, कौन है आप? मैं पिछले 15-20 दिनों से देख रही हूँ कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मुझे डिस्टर्ब मत प्लीज, कौन है आप? तब उस लड़के ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, समझ लो कि मैं तुम्हारा कोई अपना ही हूँ, बहुत करीबी। तब मैंने फिर से गुस्सा होकर उस लड़के से कहा, करीबी? अरे मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ, तो फिर आप मेरे करीबी कैसे हुए? और आप कैसे किस्म के इंसान हैं कि एक लड़की को इस तरह से परेशान कर रहे हैं? तब वो लड़का बहुत जोरों से हंस उठा। और तब सबसे अजीब चीज ये हुई कि उसके हंसने के साथ साथ हमारे आसपास जितने भी पंछी थे सब उड़कर कहीं और चले गए। ये देखकर मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी। मैंने सोचा, अरे ऐसी क्या बात थी इस लड़के के हंसी में जिससे के सारे पंछी उड़कर भाग गए। और फिर हंसते हंसते उस लड़के ने मुझसे कहा, किसने कहा है कि मैं इंसान हूं? मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैंने फिर से उनसे पूछा, क्या मतलब है इन सब बातों का? इंसान नहीं तो और कौन है आप? तब तेज रफ्तार से वो लड़का मेरे और भी पास आया और मुझसे कहने लगा,
मैं तो एक जिन हूँ। क्यों, क्या तुम मेरे आंखों को देखकर भी नहीं समझ पा रही हो कि मैं इंसान नहीं जिन्नात हूँ? उसके ये बात कहने के बाद जब मैंने उसके आंखों पर गौर किया, तब मैंने देखा कि सचमुच उसकी आंखें ग्रीन कलर यानी कि हरे रंग की थी। ये देखने के बाद मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मैं वहां एक सेकेंड भी ना रुकी और दौड़ते हुए घर लौट आई। घर आने के बाद मैं बार बार सोचने लगी कि क्या वाकई में वो लड़का एक जिन था। मैंने सोचा कि ये तो मॉडर्न साइंस का जमाना है भाई, एक इंसान तो फेक लेंस पहनकर मुझे डरा भी सकता है। शायद वो लड़का झूठ ही बोल रहा था। फिर बाद में मैंने सोचा कि शायद वो लड़का झूठ नहीं कह रहा है। अगर उसने लेंस पहन भी लिया है तो तेज रफ्तार से कैसे वो उस वक्त मेरे एकदम सामने आकर खड़ा हो गया, और उसके हंसते ही सारे पंछी क्यों उड़कर दूसरी जगह भाग गए? ये तो कम से कम एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। इसके बाद 3 दिन गुजर गए थे। इस बीच मुझे वो लड़का कहीं भी नहीं दिखा। कुछ दिनों बाद मेरी स्कूल की छुट्टियां भी खत्म हो गई, लेकिन स्कूल जाने के बाद मेरे साथ शुरू हुई एक और परेशानी। मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं किसी सर या फिर बॉय स्टूडेंट के पास जाती हूँ, मेरा पूरा शरीर जलने लगता है, मानो कोई मेरे शरीर पर पेट्रोल डालकर मुझे जला रहा हो। स्कूल जाने के पहले ही दिन मेरे साथ ये डरावनी चीज हुई। उस दिन मैं ज्यादा देर स्कूल पर रह भी नहीं पाया। मैं घर चली गई, लेकिन घर लौटने के बाद भी मुझे इससे छुटकारा नहीं मिला। जब भी मैं किसी मर्द के साथ बात करने जाती थी, यहां तक कि मेरे भाईजान, मेरे अब्बू, मेरे चाचा, उस वक्त भी मुझे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अम्मी, चाची और बहनों के साथ रहते वक्त मुझे कभी ऐसी तकलीफ महसूस नहीं हुई। मैं बहुत डिप्रेस्ड हो चुकी थी। मेरे अम्मी ने मुझसे कहा, डॉक्टर के पास चलते हैं, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। अम्मी मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद एक लेडी डॉक्टर आई मेरी चेकअप करने के लिए। चेकअप करने के बाद उन्होंने मेरी अम्मी से कहा, आपकी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, शायद नखरे कर रही है स्कूल ना जाने के लिए। तब उसी वक्त जब रूम के अंदर एक मेल डॉक्टर घुसे, तब अचानक से फिर से मेरा बदन जलने लगा, जैसे कि किसी ने मुझे आग में धकेला है। मैंने रोना शुरू कर दिया। रोते रोते मैं बेहोशी के हालत में पहुंच गई। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि जब मेरा पूरा बदन जलता था, तब सिर्फ मैं ही उस जलन को महसूस कर पाती थी, क्योंकि उसकी कोई भी सिम्टम्स या निशानी मेरे स्किन पे या फिर कहीं भी दिखाई नहीं देती थी। इसीलिए डॉक्टर्स भी हैरान थे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट्स भी करवाया, लेकिन किसी भी टेस्ट रिपोर्ट से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। सब टेस्ट्स के रिपोर्ट्स नॉर्मल ही थे। मैं घर चली आई। मैं बहुत ही उदास हो गई थी। अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद करके और लाइट्स ऑफ करके मैं रोने लगी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे में आकर किसी ने कमरे के सारे लाइट्स को ऑन कर दिया है। मैं गुस्सा हो गई। मैंने सोचा कि शायद अम्मी आई होगी मुझे समझा बुझाने के लिए, इसलिए चीख कर मैंने कहा, मुझे अभी किसी के साथ बात नहीं करनी है, मैंने कहा ना आप जाइए, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। लेकिन मैंने जब इधर उधर नजर घुमाया, तब मैंने देखा कि कमरे में अम्मी है ही नहीं।
अचानक से मैंने सुना कि मेरे पीछे से कोई मुझे पूछ रहा है, तुम रो क्यों रही हो? जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि वो जिन मेरे बिस्तर पर बैठा हुआ था। तब मैंने गुस्सा होकर उससे पूछा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप जिन है या इंसान है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा? तुम पर दिल आ गया है मेरा, अब तो मैं किसी दूसरे मर्द को तुम्हारे आसपास देखने में मुझे गुस्सा आता है। मैं तुम्हें किसी भी मर्द के पास जाने नहीं दूंगा। तब मैंने उससे पूछा, मेरे अब्बू की क्या गलती है? क्या गलती है मेरे भाईजान और चाचा की? वो तो मेरे अपने हैं। तब उसने फिर से मुझसे कहा, कौन तुम्हारे अपने हैं, कौन पराए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम उनके पास नहीं जाओगे। क्यों? तुम्हारे अम्मी, बहन, चाची ये भी तो है घर पर, उनके साथ नहीं रह सकती क्या? तुम सिर्फ मेरे हो, किसी भी दूसरे मर्द के पास मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब मैंने गुस्सा होकर उससे कहा, ऐसी बात है, तब तो मैं जरूर जाऊंगी। आप क्या क्या कर सकते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे तकलीफ भी होगी मैं फिर भी जाऊंगी, देखती हूँ आप मेरा क्या बिगाड़ते हैं। तब उस जिन ने गुस्सा होकर मुझसे कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हें पता भी नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये बात सुनकर मुझे डर लगने लगा। अचानक मैंने सुना कि कोई मेरे दरवाजे पर नॉक कर रहा है। तब मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा कि वो जिन गायब हो चुका था। फिर दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि बाहर मेरे अम्मी, बहन, चाची सब खड़े हैं। कमरे में आने के बाद जब वो लोग मेरे सामने बैठे तो मैंने अम्मी के गोद पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें सारी बातें बताई। सब कुछ सुनने के बाद पहले पहले तो किसी को भी मेरे बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो सब सोच रहे थे कि ये मेरी वहम है। ऐसे ही देखते देखते करीब हर रात को ही वो जिन मुझसे मिलने मेरे कमरे में आता था, मेरे साथ बातें करता था। बातों बातों में एक दिन उसने मुझसे इस दुनिया को छोड़कर उसके साथ जिन्नातों के दुनिया में जाने के लिए बोलने लगा। लेकिन मैं बिल्कुल भी राजी नहीं थी इन सब चीजों से। मैंने हमेशा से यही कहा है कि अल्लाह पाक ने मुझे इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा है, मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊं? तब उस जिन ने मुझसे कहा, ठीक है, जबरदस्ती मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, लेकिन जब तक तुम नहीं चलोगी मैं तुम्हारा पीछा ऐसे ही करता रहूंगा, मैं तंग करता रहूंगा, तुम्हें रोज मिलने आया करूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन मेरे इस हालात के वजह से हमारे घर एक पहुंचे हुए इमाम साहब आए मिलाद पढ़ने के लिए। वो इमाम साहब हमारे इलाके में काफी मशहूर थे। इमाम साहब ने हमारे घर के चौखट पर पैर रखते ही उन्हें पता चल चुका था कि हमारे घर में किसी आसिब का बसेरा हो चुका है। उस वक्त मैं अपने कमरे में ही बैठी थी। उस वक्त अम्मी मेरा खाना सब मेरे रूम में ही भेज देती थी, क्योंकि रूम से बाहर आना मैंने बंद कर दिया था, स्कूल भी नहीं जा पा रही थी। इसलिए इमाम साहब मेरे कमरे में आए मुझसे मिलने के लिए। फिर जो होना था वही हुआ। उनके मेरे कमरे के अंदर आते ही मेरा पूरा शरीर जलने लगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जब मेरा शरीर जलता है
तब सिर्फ मुझे ही महसूस होती है, बाहर से कोई भी निशान नजर नहीं आती है। लेकिन उस दिन इमाम साहब जब मेरे कमरे में आए, तब देखते ही देखते मेरे हाथ पैर में छाले पड़ गए। मैं बार बार इमाम साहब से कह रही थी, आप प्लीज यहां से चले जाइए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज जाइए। ऐसे हाथापाई करते करते अचानक इमाम साहब ने मुझ पर पाक पानी छिड़क दिया और मेरे सामने कुछ दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। पानी के छिड़कते ही मैं बेहोश हो गई। इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं है। इन सब चीजों के बाद भी उस जिन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वो मेरे शरीर के अंदर ही मौजूद था। उस पाक पानी के छिड़कने से सिर्फ उसे कुछ देर के लिए शांत किया गया था, लेकिन मेरे जिस्म को वो नहीं छोड़ा था। ये तकलीफ मुझे एक हफ्ते तक सहनी पड़ी, क्योंकि इमाम साहब ने मुझसे कहा था कि इस जिन को शरीर से निकालना इतना आसान नहीं है, इसे निकालने के लिए काफी झंझट तुम्हें उठाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ और मैं जब भी तुम्हारे करीब आऊंगा इलाज करने के लिए, तभी तुम्हारा बदन जलने लगेगा, इसलिए तुम्हें थोड़ी तकलीफ सहने पड़ेंगे। फिर एक हफ्ते तक सब कुछ ठीक ही था। एक हफ्ते के बाद एक दिन मगरिब के टाइम पर इमाम साहब अपने साथ अपने दो स्टूडेंट्स को लेकर हमारे घर पर आए। इमाम साहब ने मेरे अब्बू से कहा था कि मेरे रूम में ही वो अपने सारे रिचुअल्स करेंगे, क्योंकि सारी चीजें उसी कमरे में हुई है और रिचुअल्स को करते वक्त उस कमरे में सिर्फ इमाम साहब और उनके वो दोनों स्टूडेंट्स ही रहेंगे और किसी को भी उस कमरे में रहने की परमिशन नहीं दिया था उन्होंने। फिर वो लोग मेरे कमरे में आए और हर बार की तरह वो सब मेरे कमरे में दाखिल होते ही मेरा बदन फिर से जलना शुरू हो गया। फिर से वही तकलीफ, वही परेशानी। इन सब चीजों के बारे में आज भी मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, फिर उन्होंने दुआएं पढ़नी शुरू कर दी, जैसे कि सूरह फातिहा, सूरह यासीन। उस वक्त मुझे लग रहा था कि मेरे सांस अभी बंद हो जाएंगे। मगरिब से लेकर ईशा के टाइम तक कंटिन्यूअसली वो सूरह पढ़ते रहे और ऐसे ही चलते चलते अचानक मैंने महसूस किया कि वो मेरे शरीर से निकल चुका है और तभी मैं वहां पर बेहोश हो गई। उस जिन के मेरे जिस्म से बाहर निकलने के साथ साथ ही इमाम साहब ने मुझे एक तावीज पहना दिया था। बाद में जब मुझे होश आया, तब उन्होंने मुझसे बार बार कहा, बेटी तू इस तावीज को अपने से कभी भी अलग मत करना, जिस दिन तू इसे अपने हाथ से उतार देगी उसी दिन ये नापाक जिन फिर से तुझ पर कब्जा कर लेगा और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद से मेरे साथ वो सब हादसा होना बंद हो चुका था, लेकिन जो चीज बंद नहीं हुआ था वो ये था कि मैं आज भी कभी कभी घर के बाहर यहां वहां उस जिन को देखता हूं। वो जिन मुझे आज भी नजर आता है, वैसे ही वो मुझे घूरता है और मुस्कुराता है। यहां तक कि पिछले महीने के 27 तारीख को भी मैंने उसे देखा है। पर शुक्र है कि अब मेरा बदन पहले की तरह जलता नहीं है और ना ही कोई तकलीफ होती है। करीब 3.5 महीने तक उस जिन ने मुझे पोजेस्ट करके रखा था। अब अल्लाह ताला के रहमत से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ कीजिए कि मैं ऐसे ही सलामत रहूँ।